हेलो, वेलकम है एक नए लेक्चर इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन सीख रहे थे, सीखे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन, जहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वापस सेम मीडियम में आ रहा था, दैट इज रिफ्लेक्शन। उसी में बात के इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज कैसा बनेगा, साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो इमेज कितने वेलोसिटी से, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसका इमेज कितना बड़ा बनेगा, अलग अलग कंडीशन में सीखे थे। थोड़ा सा और आगे इस चैप्टर में अगर बढ़े तो इसमें एक और है, अभी तक पढ़ रहे थे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वापस से मीडियम में आ रहा था। जहां से मीडियम चेंज हो रहा था उस बाउंड्री से लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सेम मीडियम में आ रहा था, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब रिलेट करना चाह रहा है कि लाइट जो एक मीडियम से आ रहा था अब वापस उसी मीडियम में आने के बजाय अगर दूसरे मीडियम में जाएगा, दैट इज उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो आप 10th में पढ़े हैं। थोड़ा सा और डिटेल में यहां पर पढ़ना है। अभी तक लाइट सेम मीडियम में रहने का बात था, अब लाइट दूसरे मीडियम में जाने का बात है, दैट इज रिफ्रैक्शन। जहां पे सबसे पहले एक पॉइंट है पढ़ना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें सबसे पहला एक पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली बात हो रहा कि लाइट एक्चुअली एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो अलग अलग मीडियम का जो सोच रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि दो अलग अलग मीडियम में। तो एक टर्म, एक फैक्टर, आप बोल सकते हैं एक नया फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स का, जिसके हेल्प से किसी मीडियम को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मीडियम कैसा है। और अगर किसी मीडियम को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल में इसको म्यू या स्मॉल एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में जरूरत पड़ने पे म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आप चाहे तो एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का बात करें, किसी एक मीडियम को अगर रिप्रेजेंट करने का बात करें, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मीडियम अलग अलग होने का मतलब होता है लाइट का स्पीड अलग अलग होना। लाइट का स्पीड एयर में मैक्सिमम होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। अगर किसी और मीडियम में जाइएगा तो लाइट का स्पीड कुछ और होता है एयर के कंपेयर में, वैक्यूम के कंपेयर में। किसी और मीडियम में सोचिएगा तो लाइट का स्पीड कम होता है, और किसी मीडियम में, जिस भी मीडियम को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एयर में लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा, किसी और मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। अब किसी और मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम है, एयर में मैक्सिमम, किसी और मीडियम में स्पीड कुछ कम होता है, और किसी मीडियम में एयर के कंपेयर में लाइट का स्पीड कितना कम है, वही रिलेट करके हमको बताता है कि वो मीडियम कैसा होगा। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बता रहा होता है कि एयर के कंपेयर में उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है, लाइट का स्पीड कितना कम है, वही उस मीडियम का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक और बात करते जाएंगे, याद कीजिए कि लाइट एक्चुअली एक तरह का वेव है। बात कीजिए, हम मतलब स्टार्ट में इस चैप्टर में पढ़े थे कि लाइट एक्चुअली एक तरह का वेव है, तो थोड़ा थोड़ा वेव वाला भी प्रॉपर्टी हम लोग बात करते जाएंगे। डिटेल में तो अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करते जाएंगे। लाइट एक्चुअली एक तरह का वेव है, और किसी भी वेव का बात कीजिएगा तो जो वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, किसी भी वेव, जिसमें यह भी सीखे है कि फ्रीक्वेंसी किसी वेव का सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो वेव स्टार्ट कहां से हुआ। और एक बार अगर वेव स्टार्ट हो गया तो चाहे वो दूसरे मीडियम में जाए, चाहे सेम मीडियम में आए,
सीखें कि एक चीज कभी चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर वही लाइट एयर के बजाय अगर किसी और मीडियम में जाने का बात है तो फ्रीक्वेंसी वही होगा, लेकिन जो वेवलेंथ है वो चेंज करेगा। जहां पे अगर रिलेट करें तो अगर लाइट किसी और मीडियम में जाने का बात है तो ये वेवलेंथ उस मीडियम का बात होगा, और अगर ये एयर में बात है तो वो एयर में वेवलेंथ का बात होगा। जहां पे फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब इसको हटा के लिखिएगा तो एयर डिवाइड बाय मीडियम। मतलब जरूरत पड़ने पे आप बोल सकते हैं कि किसी मीडियम को दिखाना हो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दिखाते हैं, जो बता रहा होता है कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम है। किसी मीडियम में स्पीड जितना कम होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा हो, क्योंकि एयर में तो लाइट का स्पीड मैक्सिमम दैट इज 3 × 10⁻⁸, वो तो फिक्स है। किसी और मीडियम में बोलिएगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड जितना बढ़ेगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। जिसको आप चाहे तो वेवलेंथ भी बोल सकते हैं कि अगर एयर में बात करें तो वो जो भी था वो सेम रहेगा, अगर किसी और मीडियम में बात कीजिएगा तो यहां से आप रिलेट कर सकते। मतलब अगर किसी मीडियम में अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज कर रहा है। उसी में एक टर्म आता है डेंसर द मीडियम, या उल्टा बोलिए, याद कीजिए 10th में सीखे थे किसी मीडियम को रेयरर बोलते हैं और किसी मीडियम को डेंसर बोलते हैं। किसको डेंसर बोलते हैं? तो कोई मीडियम रेयरर है कि डेंसर है वो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, और किसी मीडियम में लाइट का स्पीड जितना ज्यादा होगा वो मीडियम उतना रेयरर कहलाएगा। लाइट का स्पीड जितना कम होगा वो मीडियम उतना डेंसर कहलाएगा। एज किसी मीडियम को डेंसर बोलते हैं, डेंसर तब बोलते हैं जब उस मीडियम में वेलोसिटी लाइट का स्पीड कम होगा और रेरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा। और अगर रेरर मीडियम में स्पीड अगर ज्यादा है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। मतलब बोल सकते हैं कि डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा उस रेरर के कंपेयर में। एंड आप चाहे तो यहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि मीडियम चेंज करने से वेवलेंथ चेंज करता था, रेरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन म्यू कम होगा, अब म्यू कम होने में जो वेवलेंथ का बात कीजिएगा तो कभी कभी क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बोल देगा कि एयर में वेवलेंथ इतना है किसी और मीडियम में वेवलेंथ इतना है, तो उससे पूछा जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी को रिलेट करता है, जिसके हेल्प से आप चाहे तो वेवलेंथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है एक बार अगर लाइट ओरिजिनेट हो गया चाहे जहां से भी ओरिजिनेट हो, चाहे जितना भी फ्रीक्वेंसी हो यह कभी चेंज नहीं करेगा, चाहे लाइट दूसरे मीडियम में जाए चाहे लाइट वापस सेम मीडियम में। तो ये कुछ टर्म है जिससे जरूरत पड़ने पे आप न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, जरूरत पड़े तो बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब ये सीधा सीधा किसी मीडियम को बता रहा है कि वो मीडियम कैसा है। उसी में एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही हुआ कि वो किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, विच इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अगर बात कीजिएगा ऑफ अ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम टू, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप चाहें तो बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह सीधा सीधा किसी मीडियम को बता रहा है कि वो मीडियम कैसा है। सीधा सीधा किसी मीडियम को बताने के बजाय अगर दो अलग अलग मीडियम दिया है और दो अलग अलग मीडियम को अगर कंपेयर करना हो कि कौन कैसा मीडियम है, तो आप हम लोग बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहां पे रिलेट करना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
मीडियम वन का किसके रेस्पेक्ट में, टू के रेस्पेक्ट में। तो जरूरत पड़ने पर सिंबल में इस तरह से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन का विथ रेस्पेक्ट टू टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन बाई टू। जब थोड़ा देर पहले भी रिलेट कर रहे थे कि किसी मीडियम को अगर सीधा बताना हो तो एयर के कंपेयर में बताते हैं सी बाई वी, अगर पहले मीडियम का बात है तो सी बाई वी वन, यहां पे दूसरे मीडियम का बात कीजिएगा तो सी बाई वी टू। एयर के कंपेयर में ये पहला वाला मीडियम, एयर के कंपेयर में ये दूसरा वाला मीडियम, लेकिन ये कंपेयर एयर में हो रहा था। अब अगर इसी दोनों को कंपेयर करें तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको जरूरत पड़ने किस तरह से लिख सकते हैं। सी वाला फैक्टर को अगर हटा दें तो इसको V2 by V1 लिख सकते हैं, जहां से अगर जरूरत पड़े तो इसको वेवलेंथ के मीटर में लिख सकते हैं। वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, दो अलग अलग मीडियम को अगर कंपेयर करना हो तो वेलोसिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो वेवलेंथ से भी कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है डेंसर बाय रेयर। जब तक नहीं कुछ बोला जाए हम लोग बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि रेयर के कंपेयर में जो डेंसर मीडियम है उसका रिलेटिव में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर बाय रेयर कंपेयर करता है। और अगर डेंसर बाई रेयर कंपेयर करने का मतलब अगर रिलेट कीजिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, वेलोसिटी उस रेयर मीडियम में डिवाइड बाई वेलोसिटी उस डेंसर मीडियम में, जिसको जरूरत पड़े तो वेवलेंथ से भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ उस रेयर मीडियम में डिवाइड बाई वेलोसिटी रेयर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम, वेवलेंथ डेंसर ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सीधा सीधा बता रहा है कि वो कोई मीडियम कैसा है, कैसा मतलब एयर के कंपेयर। ये एयर के कंपेयर में पहला वाला मीडियम, ये एयर के कंपेयर में दूसरा वाला मीडियम, अगर एयर के बजाय अगर सीधा सीधा दोनों को कंपेयर करें दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली रिलेटिव का मतलब होता है डेंसर बाय रेयर, जिसको जरूरत पड़े तो वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर पहले बात किए थे कि रेयर का मतलब उस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है, और अगर लाइट का स्पीड ज्यादा है तो बोल सकते हैं कि जनरली जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक से ज्यादा होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से हमेशा विच ज्यादा होगा। हाँ, इसी में थोड़ा सा एक फैक्टर कि फॉर अगर एयर को अगर बात करें, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर का अगर एयर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। एयर का अगर बात कीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वन आपका होगा। तो बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का, जहां पे एक्चुअली सोचना चाह रहे हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में रिलेट करना चाह रहे हैं कि वो जो अलग अलग मीडियम सोच रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। That is represented by refractive index. इसको बोलते हैं absolute refractive index. ये सीधा सीधा air के respect में किसी medium को बता रहा है, और ये वाला भी medium को बता रहा है, लेकिन relative में दो अलग अलग medium को compare करके relate कर रहा है। That is relative refractive index. Generally हम लोग बात करते हैं denser by rarer. हाँ, एक point आप देख सकते हैं कि जो refractive index था वो एक तरह का velocity का ratio है। मतलब अगर इस नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो, ये एक तरह का रेशियो के टर्म में डिफाइन है, और अगर ये रेशियो है हेंस इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ये एक तरह का रेशियो है, इसको जरूरत पड़ने पर अगर कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और कोई यूनिट नहीं होने के साथ साथ इसका कोई डायमेंशन कोई सिंबल भी नहीं होगा। ये जस्ट एक तरह का रेशियो जो वेलोसिटी का रेशियो बता रहा होता है कि एयर के कंपेयर में किसी और मीडियम में जो स्पीड कम है वो कितना कम। चलिए पर इसको थोड़ा सा नोट कीजिए तो थोड़ा आगे बढ़कर इसको नोट कर लीजिए।
अभी हम लोग सीखे कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर जाने का बात है तो उस मीडियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जिस अलग अलग मीडियम को आप बात करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दो न्यूमेरिकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीखे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी लाइट का दिया है और बेवलन दिया है। अगर किसी लाइट का फ्रीक्वेंसी पता है और उस मीडियम में अगर बेवलन पता है देन आप चाहें तो देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन उस मीडियम में कितना होगा आप चाहें तो निकाल सकते हैं। v बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू बेवलन। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में एसआई यूनिट में दिया है, बेवलन 5000 एंगस्ट्रम विच 10^-10। आप चाहें तो यहां पे अरेंज कर सकते हैं 5 × 2 = 10, 1 अगर रखें बाकी को सबको अगर 10 के फैक्टर में रखें तो आप देख सकते हैं कि ये 5 × 2 = 10^1। अब 1 और 3 और जुटेगा 4, अब 4 और 14 18, अब 18 में से -10 दैट इज 1 × 10^8 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछता कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या, पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का आप स्पीड निकाले हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर मीडियम बात करें तो फॉर्मूला रिलेट किया है कि किसी भी मीडियम को रिप्रेजेंट करना है कुछ नहीं बोले तो एयर के कंपेयर में रिलेट करते हैं। एयर के कंपेयर में उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम है वही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एयर में लाइट का स्पीड मैक्सिमम उस मीडियम में कम 1 × 10^8 दैट इज उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो आप रिलेट कर सकते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 जो बता रहा है कि एयर के कंपेयर में स्पीड 3 times कम है। हाँ जरूरत पड़े तो वेवलेंथ रिलेट करना हो तो वेवलेंथ भी रिलेट कर सकते हैं जैसा जरूरत पड़े। म्यू क्या बताएगा कि एयर के कंपेयर में उस मीडियम में वेवलेंथ कितना है, याद नहीं है तो बैठा सकते हैं वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का बात हो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा वेवलेंथ चेंज करेगा। अगर आपसे पूछा जाता कि उस मीडियम एयर में लाइट का कितना होगा वेवलेंथ तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं उस मीडियम में वेवलेंथ दी रहा है। एयर में वेवलेंथ निकालना हो तो निकाल सकते हैं, उल्टा अगर एयर में वेवलेंथ देता उस मीडियम में वेवलेंथ निकालना होता तो भी निकाल सकते थे। हाँ मीडियम में फ्रीक्वेंसी दिया अगर बोलता एयर में फ्रीक्वेंसी कितना होगा तो भी निकाल सकते हैं। लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ये दिया हुआ है, गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिलेटिव टू वाटर दिया है। तो अगर पहले भी बात किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब था म्यू जी वाई म्यू डब्ल्यू दिया है, इसका वैल्यू 1.2। साथ साथ एक और दिया है एंड दैट ऑफ वॉटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉटर का किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव टू अ मीडियम एक्स दैट इक्वल टू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू एक्स जिसका वैल्यू दिया है 10/11। ये दोनों दिया है, पूछा क्या है, पूछ रहा है इफ अ स्पीड लाइट का ग्लास में दे दिया है Then पूछ रहे फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन उस मीडियम एक्स में। अ स्पीड ग्लास में दिया है अब एक्स वाले मीडियम में पूछ रहा है, एक में दिया है एक में पूछ रहा है, ऐसे केस में जनरली हम लोग रेशियो निकालने का बात करें। रेशियो निकालेंगे तो एक का पता है तो दूसरे मीडियम में तो आप निकाल सकते हैं। ग्लास वाले मीडियम में लाइट का स्पीड दिया है
पावर उस एक्स वाले मीडियम में मेरे को चाहिए, जहां पे याद कीजिए आप चाहें तो किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी था आप म्यू से रिलेट कर सकते हैं, और म्यू जो था वो वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर आप लिख ऐसे रहे वेलोसिटी ग्लास का बाई वेलोसिटी एक्स का, तो उल्टा लिखना पड़ेगा म्यू एक्स बाई म्यू ग्लास। अगर इस दोनों का रेशो निकाल लें, ग्लास का स्पीड पता हो, तो मेरा ये वाला निकल जाएगा। मतलब जो फैक्टर दिया है उसके हेल्प से हमको ये निकालना होगा। दोनों अगर कंपेयर करें तो देख सकते हैं दोनों में वाटर कॉमन है। ऐसा करते हैं कि अगर दोनों को अगर वाटर के टर्म में लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कुछ नहीं, वाटर वाला फैक्टर यहां भी डाल दिया, वाटर वाला फैक्टर यहां भी डाल दिया कि दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो था उसी तरह से रह जाएगा। म्यू एक्स बाई म्यू डब्ल्यू नहीं, उल्टा दिया है, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू एक्स दिया 10/11, तो इसको लिखेगा तो 11/10। म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू डायरेक्ट दिख रहा है, बैठा दीजिए लिखिएगा तो ये 10 नीचे आएगा तो 11/12 आ जाएगा। अब आप सीधा सीधा यहां से रिलेट कर सकते हैं कि अगर ग्लास वाले मीडियम में अगर लाइट का स्पीड दिया है, अगर उस एक्स वाले मीडियम में अगर स्पीड पूछ रहा है तो वी एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 11/12 इंटू वेलोसिटी उस ग्लास वाले मीडियम में, विच 11/12 इंटू ग्लास में मीडियम में स्पीड निकालना हो दिया हुआ है, यहां से निकाल सकते हैं ये 10^8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऑब्जेक्टिव वाले में ऑप्शन रहता है, इसको अप्रोक्सीमेटली में निकाल के आप लिख सकते हैं कि लाइट का स्पीड कितना कम आएगा। देख सकते हैं 11/12 है, ये थोड़ा सा नीचे ज्यादा है, ये एक से कम होगा, स्पीड थोड़ा घटेगा 1.8। तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से आप कंपेयर रिलेट करके आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे रिफ्रैक्शन, जिसमें सीखे कि रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने का बात होता है, और उस दो अलग अलग मीडियम जो बात करना चाह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके वेलोसिटी से अंतर हो रहा था उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर बात करें एक्चुअली कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड जो रिफ्रैक्शन होगा वो किस तरह से होगा, तो रिफ्रैक्शन का मतलब था कि जिस बाउंड्री पे लाइट आ रहा है उसके एक साइड कुछ और मीडियम और दूसरे साइड कुछ और मीडियम। अलग अलग मीडियम का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, जो बता रहा होगा कि इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और, इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और। अगर लाइट किसी एक मीडियम से आ रहा है, लाइट किसी एक मीडियम से आ रहा है दूसरे मीडियम में जाना है, कुछ एंगल से आ रहा होगा, कितने एंगल से आ रहा होगा, तो एंगल हमेशा जब तक नहीं कुछ बोला जाए एंगल किसी भी लाइट का उस सरफेस के हमेशा नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करता है। लाइट कुछ एंगल से आ रहा होगा और जितने एंगल से लाइट आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है अगर मीडियम नहीं चेंज करता, लेकिन अगर मीडियम चेंज करने का बात है तो लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से चेंज करेगा, जरूरत पड़ने पे वो नॉर्मल के तरफ भी जा सकता है और नॉर्मल से दूर भी जा सकता है। तो वो 10th में पढ़े थे। रेरर से जब डेंसर जाता है तो लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करता है, और अगर रेरर डेंसर से रेड़ जाएगा तो लाइट नॉर्मल से दूर जाता है। किस तरह से, कितने रिलेशन से, कौन सा रिलेशन से, वो आगे हम लोग बात करेंगे। 10th में से तो वो सीखे था। अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से वो डेविएट करेगा, नॉर्मल के तरफ भी जा सकता है, नॉर्मल से दूर जाएगा, कुछ एंगल से जाएगा, और जितने एंगल से जाएगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने के बजाय मीडियम चेंज हो रहा था, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम जाने में लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अतः उसमें बात उठता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एक से दूसरे मीडियम जाने में जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है किस तरह से चेंज करेगा, उसका कुछ लॉ है जो अगेन टेंथ में पढ़े थे, थोड़ा सा और भी हम लोग बात करते हैं। याद कीजिए पढ़ चुके हैं टेंथ में कि जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में जो लाइट जा रहा है, और जो नॉर्मल होगा ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब कि अगर बोर्ड के सहारे अगर लाइट आएगा तो दूसरे मीडियम जाने में वो बोर्ड से बाहर अंदर जाने के बजाय उस बोर्ड में ही इधर उधर डेविएट करेगा, उसी प्लेन में वो आगे पीछे करेगा। अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविट ये सारा एक ही प्लेन में होगा, ऑल लाई इन सेम प्लेन। साथ साथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसका रीजन है कि दूसरे मीडियम जाने में वेलोसिटी चेंज करता है। दूसरे मीडियम में जाने में वेलोसिटी चेंज करने का मतलब वेवलेंथ चेंज करेगा। हम लोग थोड़ा देर ऑलरेडी पहले रिलेट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज करता है लेकिन वेवलेंथ चेंज करेगा। इन रिफ्रैक्शन कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी वही किसी लाइट का कलर भी डिसाइड करता है। लाइट अलग अलग कलर का, किसी लाइट का कौन सा कलर है वो उस लाइट का फ्रीक्वेंसी रिलेट करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में ऑसिलेशन। एक बार अगर लाइट ओरिजिनेट हो गया, कोई भी वेव ओरिजिनेट हो गया, तो मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे या वापस रिफ्लेक्ट हो, फ्रीक्वेंसी दैट इज उसका कलर कभी चेंज नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा। और साथ साथ 11th में वेव में पढ़ना था कि लाइट के दूसरे मीडियम जाने में फेज मतलब टाइम गैप में चेंज नहीं होता, वेव जिस शेप में जा रहा होता है उसी शेप में दूसरे मीडियम में जाएगा। हाँ, जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो उल्टा वापस आता है, रिफ्लेक्शन में सीखे थे। कभी कभी इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा वेव नेचर भी बात करते जाए। फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं चेंज करेगा, बट मीडियम चेंज करने से रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज करने का मतलब वेवलेंथ चेंज करना। कितना तू ऑलरेडी म्यू से रिलेट करना सीख चुके हैं कि मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी और वेवलेंथ कितना चेंज करता है। उसी में एक लॉ है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो आप टेंथ में पढ़े थे कि लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में मीडियम चेंज करने के कारण एंगल चेंज करेगा, मीडियम चेंज करने के कारण एंगल कितना चेंज करेगा। फ्रॉम अ स्नेल्स लॉ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में एट एनी बाउंड्री लाइट चाहे जैसा भी मीडियम में जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में न्यू चेंज करेगा तो लाइट का नॉर्मल से एंगल चेंज करेगा, इस तरह से चेंज करेगा कि इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब कि अगर इस मीडियम पहला में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इस मीडियम में लाइट का एंगल अगर आई है, यही लाइट अगर दूसरे मीडियम में जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू टू, अगर लाइट नॉर्मल से आर एंगल पे, तो कुछ इस तरह से कि दोनों का प्रोडक्ट जितना पहले मीडियम में है उतना ही दूसरे मीडियम होगा, जरूरत पड़ने में अगर किसी और तीसरे मीडियम में जाए तो आप वही फॉर्मूला लगा सकते। एक मीडियम से किसी भी मीडियम में जाए किसी भी बाउंड्री पे, अब चाहे तो मीडियम चेंज करने से एंगल कितना चेंज कर रहा है इस फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जो आप टेंथ में यूज किए थे। हाँ, ये कहां से आया इसका प्रूफ हम लोग को पढ़ना है अगले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में, वेव के तरीके से इसको रिलेट करना वो अगले चैप्टर में। तो फॉर्मूला तो एक जैसे रिफ्लेक्शन में एक था एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन में एक ही फॉर्मूला बोल सकते हैं कि मीडियम चेंज करने से एंगल चेंज करेगा, कितना चेंज करेगा तो इस तरह से चेंज करेगा कि इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा।
फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हाँ, इस फॉर्मूला को अलग अलग कंडीशन में उस रिफ्रैक्शन में यूज कैसे करेंगे उसका हम लोग बात करेंगे, एप्लीकेशन का बात करें। एक दो पॉइंट पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि देयर इज नो रिफ्रैक्शन। कभी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। डिफ्रैक्शन नहीं होने का मतलब कि हो सकता है लाइट अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं करे कुछ केस में। कौन कौन से पॉसिबिलिटी में, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत है। हाँ, कुछ बात करते हैं कि व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द बाउंड्री। अगर किसी बाउंड्री पे, किसी इंटरफेस पे जहां से मीडियम चेंज कर रहा है, अगर लाइट नॉर्मली अगर इंसिडेंस किया है, तो मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे, अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंस किया है तो लाइट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देयर इज नो रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द बाउंड्री। बाउंड्री के अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंस किया है तो मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे, रिफ्रैक्शन होगा नहीं, लाइट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते, लाइट नॉर्मली आ रहा है, एंगल नॉर्मल से लेते हैं, नॉर्मल से एंगल लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। अब फ्रॉम असमियल्स लॉ, अगर लाइट नॉर्मली आ रहा है, थीटा का वैल्यू जीरो है, तो साइन जीरो जीरो होता है। मीडियम चेंज करने में इसका वैल्यू जीरो होने के कारण, अगर इस मीडियम में भी बात कीजिएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। लाइट अनडेविएटेड, मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे, लाइट अगर नॉर्मली आ रहा है, इट विल पास अनडेविएटेड, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। दूसरे पॉसिबिलिटी में, अगर लाइट अगर मीडियम चेंज कर रहा है, लेकिन मीडियम ऐसा चेंज कर रहा है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 बराबर μ2। अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम, मीडियम अलग है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि म्यू सेम होगा तो थीटा भी सेम होगा, देयर इज नो रिफ्रैक्शन। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर मेनी मीडियम, फॉर नंबर ऑफ मीडियम, having different refractive index but parallel boundary, अभी रिलेट किए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। कुछ लॉ था, सिंपल एक फॉर्मूला कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला तो सिंपल है, अलग अलग कंडीशन यूज करने में दो सीख है कि इस दो कंडीशन में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट अगर नॉर्मली आएगा, मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे, अनडेविएट पास करेगा। मीडियम अलग हो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट तब भी अनडेविएट पास करेगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, इस बार बात करना चाह रहे हैं कि लाइट एक मीडियम नहीं, नंबर ऑफ डिफरेंट मीडियम से पास करना चाह रहा है, और जो अलग अलग मीडियम से पास करने का बात है, सबका बाउंड्री इंटरफेस जहां से मीडियम अलग अलग हो रहा था, μ1 μ2 μ3, जहां से मीडियम अलग अलग हो रहा था, इस मीडियम का कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कुछ और, इसका कुछ और, लेकिन जो बाउंड्री है वो एक दूसरे के पैरेलल। वैसे में लाइट किसी एक मीडियम से आएगा, दूसरे मीडियम में डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर मीडियम चेंज कर रहा है, लाइट अपना डायरेक्शन कुछ और चेंज करेगा, इस मीडियम में कुछ एंगल बनाएगा, दूसरे मीडियम में I2, अगर बाउंड्री पैरेलल है, तो नॉर्मली अगर रिलेट कीजिएगा तो ये I2 तो यही I2। अब तीसरे मीडियम जाने में मीडियम चेंज कर रहा है, एंगल चेंज करेगा, इस तरह से चेंज कर रहा था कि μ into sin theta हमेशा कॉन्स्टेंट।
अगर इस मीडियम से इस मीडियम जाने का बात कीजिएगा तो म्यू वन साइन आई वन इस मीडियम में, अगर इस मीडियम में जाने का बात कीजिएगा तो म्यू टू साइन आई टू, ये इस बाउंड्री पे था। आप अगर इस बाउंड्री पे जाइएगा तो इस मीडियम में म्यू टू साइन आई टू और इस मीडियम में म्यू थ्री, पहला वाला इंटरफेस पे म्यू वन साइन वन वन बराबर म्यू टू साइन आई टू, और यही लाइट जब यहां पे आ रहा है तो यहां पे म्यू टू और साइन आई टू वही रह जाएगा जो यहां से आ रहा था, और वही जब आगे बढ़ेगा तो म्यू थ्री साइन आई टू। मन करे तो इस बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ अलग से लगा सकते हैं, इस बाउंड्री पे अलग से लगा सकते हैं, और नहीं तो जरूरत पड़े मन करे तो इस बाउंड्री पे आप स्नेल्स लॉ अलग से लगा सकते हैं, इस बाउंड्री पे अलग से लगा सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो इस मीडियम में लाइट कहां गया कितने एंगल्स है कि आपको जरूरत नहीं जानने का, आप चाहे तो सीधा इस मीडियम से आप सीधा इस मीडियम में लगा सकते हैं म्यू वन साइन आई वन बराबर म्यू थ्री साइन आई थ्री, सीधा इस मीडियम से इस मीडियम में लगा सकते हैं। लेकिन ये काम तब कर सकते हैं जब बाउंड्री पैरेलल हो, जब बाउंड्री पैरेलल होगा तो जो स्नेल्स लॉ में इक्वेशन में म्यू टू साइन आई टू यहां पे आ रहा है, बाउंड्री पैरेलल होने के कारण वही वाला यहां भी है, यहां पे अलग लगा सकते हैं यहां पे अलग लगा सकते हैं, मन करे तो यहां से सीधा स्नेल्स लॉ यहां पे लगा सकते हैं, बीच में कौन सा मीडियम है जानने का जरूरत नहीं। लेकिन ये तब है जब बाउंड्री पैरेलल, अगर बाउंड्री पैरेलल नहीं रहेगा कुछ तिरछा होगा तो जो म्यू इनटू साइन थीटा यहां आता है वो यहां नहीं आएगा, तब आप स्नेल्स लॉ सीधा यहां से यहां नहीं जा सकते। मतलब मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे लेकिन अगर बाउंड्री इंटरफेस अगर पैरेलल हो तो मन करे तो स्नेल्स लॉ यहां पे अलग लगाइए यहां पे अलग लगाइए, आपका मन करे तो स्नेल्स लॉ सीधा इस पहले मीडियम से सीधा तीसरे मीडियम में जा सकते, बीच में मीडियम क्या है जानने का जरूरत नहीं। लेकिन ये बात तब है जब जो इंटरफेस है वो पैरेलल होगा, बाउंड्री वो अलग अलग मीडियम का पैरेलल होगा। तो हम रिलेट कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन में जो रिफ्रैक्शन होगा उसको किस तरह से इक्वेशन से रिलेट करेगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, तो कुछ न्यूमेरिकली हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन का, जहां पे लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। रूल सिंपल सा था कि जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो स्नेल्स लॉ कि म्यू इनटू साइन थीटा का वैल्यू किसी भी दूसरे मीडियम जाने में हमेशा कांस्टेंट था, और उसको अलग अलग कंडीशन में कैसे यूज करेंगे एप्लीकेशन सीख रहे हैं। चलिए एक और कंडीशन में अगर यूज करने का बात करें उस स्नेल्स लॉ को, तो मान के चल रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में रखा है और उसको देखा जा रहा है किसी रेयर मीडियम से, एक ऑब्जेक्ट कहीं होगा और है किसी और मीडियम विच इज डेंसर मीडियम, और इसको देखने का कोशिश कर रहा है कोई ऑब्जर्वर किसी रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट यहीं दिखेगा कि कहीं और दिखेगा, और अगर कहीं और दिखेगा तो कहां दिखेगा कितने डिस्टेंस पे दिखेगा उसको रिपीट करना चाह रहा है। याद कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से रेज निकल के हमारे आंख के अंदर इंटर करता है, आंख के रेटिना पर उसका इमेज बन रहा होता है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट इस मीडियम में है, अगर हम बाहर अगर दूसरे मीडियम से देखने का कोशिश करें तो इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगा, नंबर ऑफ रेज निकलेगा, एक रेज सीधा निकल रहा होगा। अब पढ़े हैं कि अगर किसी बाउंड्री पे मीडियम चाहे कितना भी चेंज करे, अगर लाइट नॉर्मली आ रहा है तो इट विल पास अनडिविडेड। अनडिविडेड पास करने का मतलब कि ऑब्जर्वर अगर ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश करेगा तो इधर ही दिखेगा, लेकिन ध्यान रहे उसको दिखेगा कि वहां पे ऑब्जेक्ट है,
लेकिन कहां पे है एग्जैक्ट देखने के लिए उसका इमेज बनाना पड़ेगा, और इमेज बनाने के लिए एक रेज काफी नहीं है, कम से कम दो रेज चाहिए। मतलब ठीक ऊपर से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहां पे ऑब्जेक्ट है एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। एग्जैक्ट देखने के लिए हल्का सा हटना पड़ेगा, हल्का सा साइड हटिएगा तो रेज और भी निकल के जाएगा, और रेज जो और निकल के जा रहा है इस बाउंड्री पे कुछ एंगल से आएगा, अब उस एंगल से आने में जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। इट डिपेंड, अगर डेंसर से रेरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, अगर रेरर से डेंसर में जाता तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता। यहां पर मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, देख रेरर मीडियम से रहे थे, रेरर मीडियम जाने में लाइट अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज करेगा। लाइट एक सीधा आ रहा था, एक तिरछा आ रहा था, अगर ये भी लाइट अनडिविट पास करता, ये भी लाइट अनडिविट पास करता तो इस ऑब्जर्वर को लगता कि लाइट ऐसा आ रहा है, बीच यहां से आ रहा है, और अगर लाइट में डायरेक्शन में चेंज नहीं होता तो जहां पे ऑब्जेक्ट रहता वहीं पे उसको दिखाई देता। ये होता है जब हम नॉर्मली सेम मीडियम है, ये भी मीडियम वही, ये भी वही, वही मीडियम रहता, लाइट के डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होता तो जहां ऑब्जेक्ट दिखता हम रहता वहीं पे दिखाई देता। लेकिन अगर किसी और मीडियम से देखें, लाइट के अपने डायरेक्शन चेंज करने के कारण इसको लगेगा कि एक लाइट सीधा आया है, एक लाइट तिरछा में इस तरह से आया है, जिसको अगर बैकवर्ड करे तो उसको लगेगा कि लाइट इधर से आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट था यहां पे उसको ऑब्जेक्ट वहां दिखने के बजाय उसको ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा और ऑब्जेक्ट कहीं और दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं, हमको उसका इमेज दिखाई दे रहा है। था ऑब्जेक्ट यहां पे, यहीं पे दिखता अगर लाइट के डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। दूसरे मीडियम से देखने के कारण ठीक ऊपर से देख रहे हैं तो हमको एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, हल्का हटना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए। हल्का हट के देख रहे हैं तो हमारे आंख में जो दो रेज आ रहा है वो कहीं और से आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा कहीं और दिखाई कहीं और देगा। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, अगर देख रेरर पे रहे हैं, ऑब्जेक्ट एपियर्स ऑब्जेक्ट का जो इमेज, ऑब्जेक्ट नहीं उसका इमेज दिखाई दे रहा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इमेज एपियर इन, उसका ऑब्जेक्ट नहीं, उस ऑब्जेक्ट का हम इमेज देख पा रहे हैं, और जो इमेज है एपियर्स क्लोजर देन ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उसका जो इमेज दिख रहा है वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, लेकिन हमको उसका इमेज दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट है कहीं और, दिखाई कहीं और दे रहा है, जितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ, आभासी, हमको फील हो रहा है कि वहां पे है कहीं और लेकिन हमको फील हो रहा है यहां पे। तब आपसे पूछा जाता है कि अपने एक्चुअल से ऑब्जेक्ट क्लोजर एपियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं उसका इमेज हमको दिखाई दे रहा है, अब तक पूछा जाता कितना क्लोज, कितना डिस्टेंस पे दिखाई देख सकते हैं। लाइट कुछ एंगल से इस मीडियम में जाने की कोशिश में, जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो एंगल कुछ और बनेगा, यही ये आई था तो ये भी आई होगा, अगर इसको बैकवर्ड कर रहे थे अगर ये आर तो यहां पर यह आर, और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में रूल एक ही है फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू इनटू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। अगर इस मीडियम जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, लाइट अगर कुछ एंगल से आ रहा है दूसरे मीडियम में, एंगल रिलेट कर सकता है, लेकिन एंगल रिलेट करने बोलता तो एंगल रिलेट करते, एंगल नहीं पूछा है, पूछा क्या जा रहा है,
डिस्टेंस कितना चेंज करेगा। ऑब्जेक्ट है यहां, दिखाई कहीं और दे रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, डिस्टेंस कितना चेंज कर रहा है उसको हमको रिलेट करना है। डिस्टेंस रिलेट करने का मतलब इस एंगल को हटा के हमको डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। साइन आई भी रिलेट कर सकते हैं और साइन आर भी रिलेट कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। साइन अगर थीटा बात कीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर में अगर कुछ डिस्टेंस से हटने का बात था तो कुछ होगा डिस्टेंस, लेकिन अगर गौर से देखिएगा साइन थीटा यूज कीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में थोड़ा लेंथी आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। जनरली जब तक नहीं कुछ बोला जाए, जब तक नहीं कुछ बोला जाए, हम लोग मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को देखने का कोशिश कर रहा है ऑब्जर्वर, हटके देखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हटने के बजाय, बहुत ज्यादा हटने के बजाय बहुत कम हट रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को दूसरे मीडियम से देखने का कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मली ही देखने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक, नॉर्मल देखेंगे तो नहीं दिखेगा, हल्का हटना पड़ेगा, लेकिन हल्का हट रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हट रहा है। अगर हल्का में हटिएगा तो जो एंगल बन रहा होगा वो बहुत ज्यादा नहीं बनेगा। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस जो एंगल आई और आर होगा वो स्मॉल होगा, एंगल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और अगर एंगल स्मॉल है तो उस म्यूटी इंटू साइन आई को हटा के आप चाहे तो टैन आई भी लिख सकते, लेकिन ये तब लिख सकते हैं जब हम बहुत दूर हटने के बजाय बहुत नजदीक से हटके देख रहे हैं। कुछ नहीं बोले तो क्वेश्चन में यही सोचते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा और ठीक ऊपर से देखने के बजाय बोलेगा थोड़ा ज्यादा दूर से देख रहा है। जब आप ज्यादा दूर से देखिएगा तो एंगल बड़ा होगा, साइन आई को टेन आई नहीं लिख सकते हैं। एंगल छोटा होता है तो एंगल छोटा होने में आप चाहे तो एंगल को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब इसके आगे जो फॉर्मूला हम डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं वो तभी यूज होगा जब हम नॉर्मली देखने का कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा हटके नहीं देखेंगे। हाँ क्वेश्चन में नहीं कुछ बोला जाए तो हम यही चीज सोचें। रिलेट करना चाह रहे हैं कि एंगल तो हम रिलेट कर सकते हैं कि कितना चेंज करेगा, लेकिन एंगल नहीं, हमको डिस्टेंस रिलेट करना है। साइन थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर में, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यूज करने के बजाय लेंथी था, रूट में आ रहा था, परपेंडिकुलर बाय बेस अगर यूज करें तो डी एक्चुअल। दूसरे मीडियम जाने में जो आ रहा था म्यू आर इंटू साइन आर, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, लिखते हैं म्यू डेंसर इंटू साइन आई को हटा के एंगल छोटा मानने में टेन आई, परपेंडिकुलर बाय बेस में डी एक्चुअल। दूसरे मीडियम जाने में एंगल चेंज कर रहा था, अगर इधर कम है तो इधर भी कम ही बनेगा, टेन आर जिसको हटा के लिखेगा तो टेन आर परपेंडिकुलर बाय बेस में वाई बटा डी एपेरेंट, जिसमें म्यू वाई वाला फैक्टर हट जाएगा और जो बच रहा है म्यू डी वन बाई डी एक्चुअल बराबर म्यू आर इंटू वन बाई डी एपरेंट, यही तो मेरे को चाहिए था। देन जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट जहां है हमको वहां दिखने के बजाय अपने ओरिजिनल जगह से नजदीक दिख रहा है। क्वेश्चन उठता है था यहां पे नजदीक में कितना नजदीक दिख रहा है, व्हाट इज डी एपरेंट, तो आप देख सकते हैं डी एपरेंट ऊपर जाएगा तो यहां से रिलेट कीजिएगा तो डी एक्चुअल इंटू म्यू रेरर डिवाइड बाय म्यू डेंसर। दो अलग अलग मीडियम का बात है और दो अलग अलग मीडियम को आप चाहें तो अलग अलग रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो म्यू डेंसर अगर इसको नीचे लेके जाए तो म्यू डेंसर बाय म्यू रेरर, ये म्यू रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
कि अगर इस दोनों का अलग अलग है तो यहां से लिखेंगे, अगर दोनों का अलग अलग नहीं निकला बजाय अगर रिलेटिव में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कुछ और डिस्टेंस पे होगा लेकिन हमको दिखाई कहीं और देगा और कितना कम दिखाई देगा, तो म्यू से कम दिखाई देगा। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब डेंसर बाय रेयर करते हैं तो हमेशा एक से ज्यादा, ये एक से ज्यादा होने का मतलब यहां से रिलेट होगा कि एपरेंट डेप्थ कम होगा। हाँ, इसी में कभी कभी पूछा जाता है कि अगर इस मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करता हुआ दिखेगा। अब तब आपसे पूछा जाता है विजय एपरेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज, पढ़े हैं कि कहीं भी वेलोसिटी का जब हम बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब अगर एपरेंट वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये डिस्टेंस चेंज करेगा तो इमेज का भी डिस्टेंस चेंज करेगा, और इमेज का डिस्टेंस दैट इज डी एपरेंट जिस रेट से चेंज करेगा दैट इज वेलोसिटी। जिसको रिलेट कीजिएगा तो एपरेंट डेप्थ आ रहा था विच वन बाय म्यू रिलेटिव इनटू डी एक्चुअल, इसका डिफरेंसिएशन एक्चुअल डिस्टेंस जिस रेट से चेंज करे विच एपरेंट एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय न्यू रिलेटिव। जिस तरह से डिस्टेंस चेंज कर रहा अगर जरूरत पड़े तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि मीडियम चेंज करने से कितना चेंज करेगा। इसमें एक और फैक्टर पूछा जाता है नॉर्मल शिफ्ट, देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट कहीं और था हमको दिखाई कहीं और दे रहा है अपने ओरिजिनल जगह से शिफ्ट कर रहा है, हमसे पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहा है, तो था ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे दिखाई इतने डिस्टेंस पे दे रहा है कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहा है निकाल सकते हैं, जहां पे एपरेंट डेप्थ जो आ रहा था इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाय म्यू, म्यू मतलब रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जहां से रिलेट कीजिएगा तो डी एक्चुअल कॉमन निकलेगा वन माइनस म्यू रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दो अलग अलग मीडियम। इसी में एक आग फैक्टर कभी कभी और पूछा जाता है फॉर मोर देन वन मीडियम, अभी हम लोग बात की कि ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में और डेप्थ किसी और मीडियम से रहा, तो ऑब्जेक्ट अपने जगह से घट रहा था डिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा था कितना डिस्टेंस पे कितने वेलोसिटी से नॉर्मली में कितना शिफ्ट कर रहा था आप रिलेट कर सकते हैं। इसी में बोल रहा है कि जिस दूसरे मीडियम में रहने का बात है वहां पे एक नहीं अगर एक से ज्यादा मीडियम है, देख रहे थे कि एक मीडियम था तो जो एपरेंट डेप्थ था वो डी बाई म्यू आ रहा था, अगर एक से ज्यादा मीडियम होगा तो जरूरत पड़ने पर आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो एक मीडियम इतना डिस्टेंस घट रहा था एक से ज्यादा मीडियम रहेगा तो इस तरह से रिलेट कर सकते। अगर नॉर्मल शिफ्ट का बात करें तो पहला के कारण शिफ्टिंग होगा, दूसरा के कारण शिफ्टिंग होगा, हर एक के कारण शिफ्टिंग होगा। पहला के कारण जो शिफ्टिंग था डी इंटू वन बाई म्यू, अगर दूसरे के कारण शिफ्टिंग का बात कीजिएगा तो ऐसा ऐसा चाहे जितना हो रिलेट कर सकते। कभी कभी पूछा जाता है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात हो रहा है कि एक से ज्यादा मीडियम है, इधर पहला मीडियम दूसरा मीडियम तीसरा मीडियम एक के बाद एक लगातार ढेर सारा मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा और कहीं और से देखने का कोशिश कर, तो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा कितना शिफ्ट करेगा सब रिलेट। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि इस अलग अलग मीडियम जो दिख रहा है सबको अलग अलग सोचने के बजाय अगर एक साथ सोचे तो व्हाट इज इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात था कि मीडियम चेंज करने से डिस्टेंस चेंज कर रहा कितना से, तो वो म्यू बता रहा था, म्यू कितना बता रहा था, तो म्यू बराबर अगर लिखिएगा तो बता रहा था कि उस एक्चुअल की तुलना में जो डिस्टेंस चेंज कर रहा है वो डिस्टेंस कितना चेंज कर रहा है वो म्यू ही बता रहा है। अगर एक से ज्यादा मीडियम हो तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट में होगा, एपरेंट में इक्विवेलेंट में होगा।
अगर एक मीडियम था तो एक्चुअल में डी वन, एक से ज्यादा मीडियम था तो एक्चुअल में कुछ इस तरह से। एपरेंट, तो एक मीडियम था तो एपरेंट था डी बाई न्यू, डी बाई न्यू। ऐसा ऐसा एक से ज्यादा मीडियम है तो डी बाई म्यू, डी बाई म्यू। जितना भी मीडियम आएगा सबको हटा के अलग अलग सोचने के बजाय आप चाहे तो सिंगल मीडियम के टर्म में सोच सकते हैं। तो बहुत बार ये भी पूछता है, पूछा है जेई मेन में क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग एक कंडीशन में बात की कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और देख रेयर मीडियम से रहे थे तो ऑब्जेक्ट अपने जगह से नजदीक दिख रहा था, डिस्टेंस घटता हुआ दिख रहा था, कितने से डिस्टेंस घट रहा था। तो मन करे तो प्रॉपर स्नेल्स लॉ से इक्वेशन लिख के निकालिए, नहीं तो एक फॉर्मूला रिलेट किए कि घट रहा था डिस्टेंस म्यू टाइम्स, म्यू टाइम डिस्टेंस घट रहा था और डिस्टेंस म्यू टाइम्स घटने के कारण वेलोसिटी भी म्यू टाइम्स घट रहा था। यहां पे थोड़ा सा उल्टा एक और कंडीशन में बात करें। अभी थोड़ा देर पहले जो बात किए थे उसमें ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था और देख रेयर मीडियम से रहे थे, इस बार उल्टा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है और देख डेंसर मीडियम से रहे, अगर इधर से देखेगा तो एक लाइट अनडिविड पास करेगा, इससे यह दिखेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन एग्जैक्ट देखने के लिए कम से कम कितना रेट चाहिए, दो रेट, थोड़ा सा हटके देखना पड़ेगा। जब हल्का हटके देखेंगे तो लाइट इस डायरेक्शन में आने में अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा डेविएट करेगा क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है। लाइट रेयर से डेंसर आ रहा है, लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, जिसको बैकवर्ड कीजिएगा तो आपको लगेगा कि लाइट कहीं इधर से आ रहा है, आ यहां से रहा था, लेकिन लाइट के डायरेक्शन नॉर्मल के तरफ बेंड करने के कारण हमको लग रहा कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं, यहां है, दैट इज ऑब्जेक्ट नहीं, इसका हमको इमेज दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहीं और है, दिखाई कहीं और दे रहा है, अपने ओरिजिनल जगह से दूर दिखाई दे रहा है, विच इज इमेज एपियर फार्दर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर दिखाई दे रहा है। लाइट कुछ एंगल से यहां पे आ रहा होगा, वही एंगल यहां भी होगा, दूसरे मीडियम जाने में आर होगा, इसी को बैकवर्ड करेंगे तो ये वाला आर होगा। एंगल कितना चेंज करेगा, तो लाइट इस मीडियम से रेयर मीडियम से आ रहा है, म्यू आर इंटू साइन आई, दूसरे मीडियम में म्यू डी इंटू साइन आई। हाँ, जब तक नहीं कुछ बोला जाए, बहुत ज्यादा हटने के बजाय नजदीक से देखेंगे एंगल छोटा होगा, एंगल छोटा होने में साइन आई को हटा के साइन आर लिख सकते हैं, सॉरी साइन आई को हटा के टेन आई लिख सकते हैं। जब टेन आई लिखेगा तो परपेंडिकुलर में अगर ये डिस्टेंस बाई अब बटा बेस में आ जाएगा डी एक्चुअल, और इधर लिखेगा तो म्यू डेरर वाई बटा डी एपरेंट साइनर टैनर। थोड़ा देर पहले जो डेरिवेशन किया तो वही होगा, हमको चाहिए डी एपरेंट, यहां से लिख सकते हैं, देन जो एपरेंट डेप्थ आएगा इज इक्वल टू डी एपरेंट बराबर डी एक्चुअल इंटू म्यू डी बाई म्यू आर, अरेंज कीजिए थोड़ा सा। डेंसर बाई रेरर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका वैल्यू एक से ज्यादा होता है, जो बता ही रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कुछ कम डिस्टेंस पे, लेकिन डेंसर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा, ऑब्जेक्ट कितना दूर दिखेगा तो डिस्टेंस म्यू टाइम्स, सिंपल, डिस्टेंस घटेगा तो म्यू से डिवाइड करेंगे, अगर डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो म्यू टाइम्स से मल्टीप्लाई करें। अगर एपरेंट वेलोसिटी निकालना हो तो कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो इसका इमेज भी मूव करेगा, वेलोसिटी एपरेंट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ विच एपरेंट डिस्टेंस, जिसको रिलेट कीजिएगा एपरेंट डिस्टेंस में, तो म्यू रिलेटिव इंटू डी एक्चुअल, दैट इज म्यू रिलेटिव इंटू वी एक्चुअल, एक्चुअल में डिस्टेंस कम है और हमको दिखाई ज्यादा दे रहा है,
डिस्टेंस कम चेंज करेगा लेकिन दिखाई हमको लगेगा कि ज्यादा चेंज कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और डिस्टेंस ज्यादा चेंज करेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करे तो इमेज भी मूव करेगा, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ने के कारण न्यूटन से वेलोसिटी भी बढ़ेगा। इसी में पूछा जाता है नॉर्मल शिफ्ट कि ऑब्जेक्ट अपने जगह के बजाय शिफ्ट कर रहा है, इस बार एपरेंट बढ़ रहा है एक्चुअल कम है, जितना डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, जहां पे एपरेंट डेप्थ आ रहा था म्यू इंटू डी एक्चुअल माइनस डी एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू डी एक्चुअल। कभी कभी वही जो थोड़े पहले बात किए थे फॉर मोर देन वन मीडियम, अगर एक से ज्यादा मीडियम हो तो एक मीडियम का बात कर रहा था तो डिस्टेंस म्यू टाइम्स चेंज कर रहा था, अगर एक से ज्यादा हो तो हर मीडियम का वैसा ही इफेक्ट आएगा। अगर नॉर्मल शिफ्ट निकालना हो तो पहला का शिफ्टिंग दूसरा का शिफ्टिंग हर एक का शिफ्टिंग बीच पहला का शिफ्टिंग वन माइनस म्यू दूसरा का शिफ्टिंग वन माइनस म्यू इस तरह से जितना आएगा निकाल सकते हैं। और इसी में बात उठता है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो थोड़ा देर पहले रिलेट किए थे म्यू इक्विवेलेंट, तो यहां पर म्यू आ रहा है डी एपरेंट बाई डी एक्चुअल कि एक्चुअल के कंपेयर में एपरेंट डिस्टेंस ज्यादा है मीन टाइम ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा हो तो इक्विवेलेंट डी एक्चुअल इक्विवेलेंट में डी वन प्लस डी टू प्लस एक्चुअल में जितना और जब एपरेंट में निकाल रहा था तो म्यू डी वन प्लस म्यू डी टू, सबको अलग अलग सोचने के बजाय सारे मीडियम को अगर एक साथ अगर इक्विवेलेंट सोचे तो यहां से सोच सकते। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जैसा डेंसर से रेयर में था उसी तरीके से रेयर से डेंसर में भी बात हो रहा है, थोड़ा सा खाली उल्टा